सो हे गाइस, वेलकम टू द रैश केयर। स्वागत है आपका रैश केयर के इस एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2022 वाली सुजुकी जिक्सर SF250 के बारे में। इस वीडियो में डिटेल में आपको इस बाइक के बारे में बताने वाला हूं, क्या कुछ नया आपको इस बाइक में देखने मिलता है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये बाइक ऑफर की जा रही है, क्या कुछ नया आपको इस बाइक में देखने मिले, इसकी प्राइस क्या होने वाली है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपसे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बाइक में जो आपको लाइटिंग सिस्टम देखने मिलती है, कम्प्लीटली आपको LED लाइट्स का यूज़ देखने मिलता है इसकी हेडलाइट्स में। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको इसकी हेडलाइट्स देखने मिलती है। एक ट्रांसफॉर्मर लुक आपको इस बाइक में भी ऑफर किया जा रहा है। ये एक स्पोर्ट फेयरिंग बाइक है, तो इस बाइक का जो फ्रंट लुक है इस बाइक को और भी ज़्यादा स्पोर्टी बनाता है। और इस बाइक की जो हेडलाइट्स है उसमें आपको LED लाइट्स का यूज़ देखने मिलता है। और जो टर्न इंडिकेटर्स है फ्रंट के उसमें भी आपको LED लाइट्स का ही यूज़ देखने मिलता है। वहीं बात करें इस बाइक के टेल लाइट के बारे में, तो यहां पर भी इस बाइक के टेल लाइट में आपको LED लाइट्स का ही यूज देखने मिलेगा। और जो पीछे के टर्न इंडिकेटर है उसमें भी आपको LED लाइट्स का ही यूज देखने मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस बाइक के टायर और ब्रेक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट टायर के बारे में। तो फ्रंट में आपको 300mm की सिंगल डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएगी। और वहीं बात करें टायर साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको 110/70 सेक्शन का टायर देखने मिलता है, जिसमें आपको 17 इंच का अलॉय व्हील ऑफर किया जा रहा है। साथ ही के साथ इस बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने मिलता है। और वहीं बात करें इस बाइक के रियर टायर के बारे में, तो पीछे आपको 220mm की सिंगल डिस्क ब्रेक देखने मिलती है। और जो पीछे का टायर है वो आपको 150/60 सेक्शन के साथ ऑफर किया जा रहा है। इसमें भी आपको सेम 17 इंच का अलॉय व्हील ऑफर किया जा रहा है। दोनों ही टायर्स आपको ट्यूबलेस देखने मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेकिंग ड्यूटीज में आपको इस बाइक में ड्यूअल चैनल ABS भी ऑफर किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इस बाइक में ड्यूअल चैनल ABS देखने मिलता है। अब बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन और चेसी फ्रेम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। तो फ्रंट में आपको 41mm डायमीटर के साथ टेलीस्कोपिक फोर्क ऑफर किए जा रहे हैं। और जो पीछे का सस्पेंशन है वहां पर आपको मोनोशॉक देखने मिलता है। तो गाइस, सस्पेंशन ड्यूटीज के बारे में अगर बात करें तो सुजुकी वालों को इस बाइक में आपको USD फोर्क ऑफर कर देने चाहिए, क्योंकि अभी R15 में ही, जो कि एक 155cc की बाइक है, उसमें आपको USD फोर्क ऑफर किए जा रहे हैं। इस बाइक में भी हमें USD फोर्क मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, काफी लोगों को ये बात पसंद आएगी। और बात करें इस बाइक के चेसी फ्रेम के बारे में, तो इसमें आपको डायमंड टाइप वाला फ्रेम देखने मिलता है। अब बात करते हैं इस बाइक के मेन हाईलाइट के बारे में, जो कि है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। आप लोग देख सकते हो गाइस, फुली डिजिटल कंसोल आपको इस बाइक में देखने मिलता है, जिसमें आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, ABS लाइट, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, सारे इंडिकेशन आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के कुछ कंफर्ट और कन्वीनियंट फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इंजन किल स्विच, पिलियन फुटरेस्ट, USB चार्जिंग, पिलियन ग्रेब रेल्स, जैसे जितने भी कंफर्ट वाले फीचर्स वो सभी आपको इस बाइक के साथ भी देखने मिलते हैं। बात करें इस बाइक के कुछ डायमेंशन और वेट के बारे में, तो इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2010mm की, इस बाइक की जो विड्थ है वो है 740mm की, इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट है वो है 1035mm की, इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165mm का, इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 800mm, इस बाइक का जो व्हील बेस है वो है 1345mm का, और इस बाइक का जो कर्व वेट है वो आपको 161kg का देखने मिलता है, तो काफी सही है। और इस बाइक में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको ऑफर की जा रही है वो है 12 लीटर की। बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो गाइस अभी आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये है MotoGP का स्पेशल एडिशन है, तो इसकी जो प्राइस है वो आपको थोड़ी ज्यादा देखने मिलती है एज कंपेयर टू जो स्टैंडर्ड वेरियंट आता है उसके कंपेयर में। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 1000 से लेकर 2000 का डिफरेंस आपको देखने मिलता है। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,83,000 के आसपास, और RTO इंश्योरेंस को इन सबको पकड़कर जो इसकी ऑन रोड मुंबई प्राइस आपको देखने मिलती है वो है 1,93,000। प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको दे दिया है, तो वहां पर आप लोग सेल एग्जीक्यूटिव को कॉल करके जितनी भी आपकी इंक्वायरीज है प्राइस से रिलेटेड, इस बाइक से और कुछ जो भी आपको डाउट्स है, अगर आप लोगों को टेस्ट राइड लेना है, जो भी कुछ भी इंक्वायरीज है, तो आप लोग वहां पर कॉल करके सभी अपने डाउट्स
क्लियर कर सकते हो। तो मेक श्योर आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, और आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पर कहीं पर नंबर शो हो रहे रहेंगे, तो आप लोग वहाँ पर कॉल करके जितनी भी अपने डाउट्स है वो सभी क्लियर कर सकते हो। बाकी गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।